हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। और आज है होली से अगला दिन, धुलंडी का दिन है। तो हमारे गांव में क्या है कि कल धुलंडी खेती करते हैं, आज तो नहीं है, कल है हमारे भगवान हनुमान दादा का मंदिर, ये पीर बाबा से मंदिर, ये तालाब की बाउंड्री यहाँ से चालू हो जाएगी। अभी मैं जा रहा हूँ तालाब की तरफ, जो हमारे गांव का तालाब है वहाँ पर जा रहा हूँ। और ऊपर हेवरधनी बाबा जी है ऊपर, ये तो पीर बाबा सी है। मैं आपके आगे आपको बताऊंगा क्या माहौल है आगे का। एक टाइम था जब ये जंगल जैसा दिख रहा है, एकदम सपाट था, यहाँ पे हरी भरी घास के नीचे यहाँ पे हम खेलते थे गिल्ली डंडा, क्रिकेट। अभी तो कैसा हो गया देखो, जंगल जैसा। ये जो भी आपको दिख रहा है ये पूरे कनकली झाड़ियाँ, और यहाँ पे भगवान हेवरधनी बाबा जी ऊपर। रास्ता तो पहले जैसा ही है, थोड़ा सा अच्छा हुआ है, ये थोड़ी सी बाउंड्री की है, थोड़ा अच्छा कर दिया। बाकी यहाँ एकदम बहुत अच्छा था, लेकिन आज यहाँ पे कोई जा नहीं सकता अंदर, ऐसा माहौल है पूरा। लोगों के पास टाइम नहीं है, काफ़ी जल्दी। ये महुआ का पेड़ है, ये दिख रहा है, वो पत्थर दिख रहा है वहाँ पे। उस पत्थर के नीचे पावटी का कुआ था, वो पत्थर दिख जाएगा, ये वाला पत्थर, ये इस पत्थर के नीचे पावटी का कुआ बोलते हैं इसको, वो बहुत बड़ा कुआ था। वो मेरे से पहले था, मतलब लगभग उस कुएँ को हो गए लगभग 25 साल पहले कुआ था, फिर बाद में उसको बंद कर दिया। यहाँ पे खतरा था थोड़ा, तो खतरे के हिसाब से इसको बंद कर दिया। ये 1 2 3 4 चार महुए के पेड़ है, और ये पहाड़ भगवान हेवड़ जी का पहाड़ है। इस पहाड़ के अंदर है ऋषि मुनि, ऐसा बोलते हैं गांव वाले। ये एक और आ गया आपका महुआ का पेड़, लास्ट बाउंड्री है यहाँ पे, फिर यहाँ से तालाब चालू हो जाएगा। मैं भी बहुत अगली बार आया था 1 साल पहले, या फिर आज आ रहा हूँ। ये तालाब चालू हो गया यहाँ से, ये तालाब की बाउंड्री यहाँ से चालू हो गई, जैसे तालाब स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर। ये देख सकते हो तालाब रास्ता है, इधर तो मैं यार बहुत पहले आया था इसी जगह पे, क्योंकि वहाँ तो अगली साल में आया था। ये गाय भैंसे, भैंस दूध देने वाली, और गाय वगैरह है यहाँ पे, आराम से खाना। हाँ